छोटी बच्ची है जो नेशनल मेडल भी लाई है, नाम क्या है बाबू? अनन्या कश्यप। अनन्या कश्यप, कब से सीख रही हो? एक साल। एक साल। और अभी चलाकर दिखाओ थोड़ा, देखिए क्या बात है, क्या बात है, देखिए देखिए, देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, बच्ची को इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर गोड़ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, क्योंकि हर कोई आपको मना करता है, आप इसको इंस्पिरेशन बने हुए हैं, आप सिखाने के लिए मोटिवेट करते हैं। आपको लगता है कि इसमें कैरियर है? बिल्कुल कैरियर है, देख सकते हैं। अनन्या का मेडल देखिए, हाँ मेडल पर फोकस करना, ये देखिए अनन्या का ये मेडल है। ये मेडल के लिए कितना मेहनत करना पड़ा अनन्या? बहुत मेहनत। और मेहनत से पीछे ना हटोगी? नहीं। सारे खुशी अनन्या के लिए, आपको छोटी सी इतनी है लेकिन आपको बोर्डिंग में आपको मेडल लाई है, सिल्वर वो भी लेकर आई है। तो दोस्तों काफी आपको खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान, मैं सोनू कुमार। अभी मैं आया हुआ हूँ गांधी मैदान, यहाँ पर आपको मिल गए हैं काफी स्टंटमैन करने वाले, सभी बच्चा है, आपको बहुत सारे आपको बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं वीडियो में काफी सारे हैं जो स्टंट कर रहे हैं, देख सकते हैं। एक छोटी बच्ची है जो नेशनल मेडल भी लाई है, नाम क्या है बाबू? अनन्या कश्यप। अनन्या कश्यप, कब से सीख रही हो? एक साल। एक साल। कौन आपको प्रेरित करते हैं सीखने के लिए? पापा मेरे। पापा मेरे। पापा क्या करते हैं? जॉब। जॉब करते हैं। और अभी चलाकर दिखाओ थोड़ा, देखिए क्या बात है, क्या बात है, देखिए देखिए, देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, क्या बात है। तो ये आपको बच्ची है जो आपको नेशनल मेडल लाई है, अनन्या ये आपको देख सकते हैं, आपको क्या किया है, काफी अच्छा है। आप यहाँ गांधी मैदान कौन, आपको गुरुजी कौन है, सिखाते कौन है? पापा मेरे। पापा ही सिखाते हैं? हाँ। अच्छा, और किस क्लास, अभी किस क्लास में पढ़ती हो? वन। वन में। और क्या करना चाहती हो आगे? स्केटबोर्डिंग। स्केटबोर्डिंग, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? स्केटबोर्डिंग करने। स्केटबोर्डिंग करने का। और जो छोटा छोटा बच्चा है सीखना चाहता है, उसको लिए क्या बोलोगे तुम? मैं उसे सिखाऊंगी। आप सिखाएंगे, क्या बात है। तो देख सकते हैं उसको सिखाने के लिए, बच्चा छोटी है लेकिन आपको सिखाने के लिए तैयार है, काफी देख सकते हैं, काफी जुनूनी है, आपको हर एकदम हर स्टेप मारती है, या देख क्या बात है, क्या बात है, पूरा पूरा चलाओ। तो देख सकते हैं ये 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 ये, तो देख सकते हैं दोस्तों, एक साल से ये आपको सीख रही है और काफी अच्छा ये आपको बोर्डिंग कर लेती है, तो देख सकते हैं। तो अनन्या जी के पिताजी हैं, आप क्या बोलना चाहिएगा? यहाँ पर काफी अच्छा लगता है, और ये जो भी है ये विशाल सर का ही सौजन्य है, उनका ही है। और सबसे किसी भी गेम में क्या होता है, फंडिंग का होता है, और ये भी इनका ही, मतलब टोटली इनका ही एकदम देन है, और काफी जिम्मेदारी से काम करते हैं, और लोगों को भी आना चाहिए और ये सपोर्ट भी करेंगे, और इससे क्या होता है खेल आगे भी बढ़ता है। तो लोगों आपको जो पेरेंट है ये सब खेल में आने नहीं देते, आप कैसे अनन्या को आने दिए? नहीं, ये धीरे धीरे और लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे सोच बदलता है ना, हर व्यक्ति ऐसा एक जैसा नहीं होता है। कुछ यूट्यूब वगैरह पे देखे, अभी 13 साल 13 ईयर्स ओल्ड स्केटबोर्ड में ओलंपिक के मेडल लाई है, स्काई ब्राउन, मोबी जिनिशिया, ये सब ओलंपिक के मेडल लाई है, और 13 साल की है, स्काई ब्राउन अमेरिका की है, तो ये सब तो देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सभी पेरेंट्स ऐसा नहीं है, कुछ लोग जैसे आलोचना करते हैं तो कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि क्योंकि बिहार में तो हर कोई आलोचना ही करने वाले हैं। आप कैसे सोच लिए कि हाँ भाई इसमें भेजना है, बोर्डिंग में भेजना है, स्केटिंग में भेजना है? एक ये यूट्यूब पर देख करके, उन लोगों को देख करके मोटिवेशन मिलते रहता है, और ये स्केटबोर्डिंग में जो एक कह सकते हैं सोसाइटी है, यानी जो हम लोग अनन्या तो देख सकते हैं, अनन्या का ये स्केटिंग देख सकते हैं, ये पिताजी थे, देखिए स्केटिंग कैसे कर रही है अनन्या, देख सकते हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये
तो आखिर आपको मैं पूछना चाहूंगा कि अब तक ये जो बच्चे को इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गोड़ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, क्योंकि हर कोई आपको मना करता है, आप इसको इंस्पिरेशन बने हुए हैं, आप सिखाने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपको लगता है कि इसमें कैरियर है? बिल्कुल कैरियर है, और अभी तो हम कैरियर को देख करके नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये अच्छा करे और जो करना चाहती है उसको पसंद है, इसलिए अभी तो छोटी है, कैरियर के हिसाब से इसको नहीं देख रहे हैं, और कैरियर भी है। तो बोलिए लक्ष्य है हमारा। हाँ, कैरियर भी है ये, और लक्ष्य इसका कोई कैरियर कहने का मतलब नहीं, इसको अच्छा लगता है। और रही बात की अभी तो गवर्नमेंट खेल में स्पोर्ट्स कोटा वगैरह भी होता है, सब कुछ होता है, गवर्नमेंट बिहार सरकार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वही बैठी हुई है, सपोर्ट करती है कुछ ना कुछ। और ये रही बात की चोट लगने की, तो देखिए कुछ ऐसा पाना है जो लोगों को नहीं मिला है, कभी नहीं मिला, तो कुछ ऐसा करना होगा जो कभी नहीं किए। क्योंकि बिहार में आप ही हैं, बहुत सीख रहा है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक, आप बोले कि नेशनल भी चल गई है, नेशनल भी गई है लड़की है। हाँ, अभी ये 1 मई को मोहाली में नेशनल हुआ था, और 1 मई को इसको सिल्वर मेडल मिला है, और ये अभी मतलब कि बिहार से पहली लड़की है जो स्केटबोर्ड में नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट की है। हाँ, अनन्या। हाँ, क्या बात है, बहुत खुशी मिलती है कि आपको बिहार से आके आपको बोर्डिंग में, आपको नेशनल बोर्डिंग में आपको चल जाती है, नेशनल मेडल भी लाती है बिहार के लिए, काफी आपको उत्साहित करती है। अनन्या वो मेडल निकाल रही है, आपको मेडल दिखाएगी, जो मेडल जीत कर आई है, काफी अच्छा लगता है कि खेल में भी बिहार आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। अनन्या एक ऐसी आपको लड़की, आपको इंस्पिरेशन के रूप में उभरी हुई है, छोटी सी बच्ची है जो आपको काफ़ी होनहार है, आप विद्वान है, जो आप देख सकते हैं, काफ़ी आपको स्केटिंग करने के लिए देख सकते हैं लोग, आपको बड़े लोग सोचना पड़ता है, जो जिस तरह से आपको अनन्या कर रही थी, बड़े लोग काफ़ी सोचते हैं, देख सकते हैं अनन्या का मेडल, देखिए। हाँ, मेडल पर फोकस करना, ये देखिए अनन्या का ये मेडल है। ये मेडल के लिए कितना मेहनत करना पड़ा अनन्या? बहुत मेहनत। और मेहनत से पीछे ना हटोगी? नहीं, मेहनत करने में अच्छा लगता है ना। हाँ। आपका लक्ष्य यही है, इसमें में रहना है ना। हाँ। पढ़ाई में क्या लक्ष्य रखी हो? पढ़ाई में मैं जब छोटी थी, यूकेजी में, एलकेजी में थी, तो मैं क्लास 8 और 7 का मतलब क्वेश्चन बना लेती थी। अच्छा, 8 और 7 का क्वेश्चन बना लेती? हाँ। अभी नहीं, अभी भूल गई थी, इसीलिए स्केटबोर्ड अब ज्यादा ध्यान देने लग गई हूं। अच्छा, स्केटिंग बोर्डिंग पर ध्यान देने लगा। तो देख सकते हैं आपको जब वन में यूकेजी में थे तो 8 तक के भी आपको ये क्वेश्चन बना लेती थी, तो काफी। और अभी लेटेस्ट में आपको बोर्डिंग पर ध्यान दे रही है, नेशनल पदक भी आपको लेके आई है, या देखिए ये आपको पदक है, देख सकते हैं, तो काफी खुशी मिलता है कि ये पदक जीतकर बिहार की बेटी आपको आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्टंट के लिए आपको, जो बोटिंग के लिए अनन्या आपको मेडल लाई है, जो आपको दिखाए हैं वीडियो में, वो आपको मेडल के लिए केक कट रहा है, जो खुशी है, अपार खुशी है सभी लोगों के पास, सभी टीम है, ये आपको उनको गुरु जी सिखाए हैं, वो आपको केक काट रहे हैं, तो काटिए, स्टार्ट होइए। तो देख सकते हैं ये आपको केक काटेंगे, काफी खुशी है, काफी हर्षोल्लास है कि आपको अनन्या मेडल लेकर आई है, और भी सिल्वर मेडल लेकर आई है। तो देख सकते हैं काट रहा है, अब केक पर फोकस। देख सकते हैं सारे टीम काट रहा है केक। क्या बात है यार, देख सकते हैं मेडल के लिए आपको काटा गया, खुशी मनाया गया आपको, सारे खुशी अनन्या के लिए। आपको छोटी सी इतनी है, लेकिन आपको बोर्डिंग में आपको मेडल लाई है, सिल्वर वो भी लेकर आई है, तो दोस्तों काफी आपको खुशी का माहौल है, होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार की बेटी है, आपको ये मेडल लेकर आई है। तो दोस्तों क्या बात है, ये पिताजी है, उनके केक खिला रहे हैं। कैसा लग रहा है केक काट के बाबू? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सारे लोग के लिए इंस्पिरेशन बन। कोई बात, लोग रोकना है, थोड़े से केक खाकर बहुत अच्छा लगा,
क्योंकि मेडल के लिए ये खुशी है। बिहार में जो खेल के लिए आपको प्राथमिकता लोग नहीं देते हैं, सारे बच्चों से सारे बच्चे हो गए, सारे गार्जियन हो गए, उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि खेल को दीजिए और ऐसे ही बिहार के लिए मेडल लाते रहें। और जो भी सीखना चाहते हैं, कोई भी बच्चा हो, किसी भी तरह का, आप गांधी मैदान में आकर जानकारी ले सकते हैं। इस जगह गांधी मैदान 12 नंबर गेट के पास। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो पर बने रहें।